महाराष्ट्र के पुणे में बारिश की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उपवंती नदी का पानी घरों में घुस गया है। पानी में फंसे लोगों को नाव की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीरें पुणे के पुण्यतील कोंकारेश्वर मंदिर की है, जहां कई फीट पानी भर चुका है। लगातार बारिश के चलते पुणे के मुलशी और कोंकारेश्वर में पर्यटन स्थानों को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए पुणे में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। ये पुणे के मुलामुथा नदी की तस्वीर है, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफंती नदी का पानी आसपास के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। बारिश के बीच पुणे में हादसों का सिलसिला भी जारी है। भीड़े पुल के पास जेड ब्रिज परिसर के नीचे 3 लोगों की बिजली के करंट से मौत हो गई। बारिश के बाद पुणे में पहाड़ भी धड़क रहे हैं। भारी बारिश के बाद पुणे के लवासा सिटी में बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बाद लवासा सिटी में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। लवासा सिटी के मूलशी इलाके पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में 2 घर आ गए। बड़े बड़े पत्थर गिरने से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोग भी घायल हो गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। घर के मलबे में दबे 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। ये दूसरी तस्वीर पुणे के पिंपरी चिंचवड़ की है, जहां बारिश के बाद मोरिया गोसावी मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर का पहला तला पूरी तरह से पानी में डूब गया। लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र के ठाणे में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उल्हास नदी पर बना रायता ब्रिज पूरी तरह से डूब चुका है। ठाणे से सामने आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देख लोग सहमे हुए हैं। 24 घंटे की लगातार बारिश से रायता ब्रिज का वजूद अब पानी में गोते लगाने लगा है। नदी के इस हाहाकारी रूप के कारण कल्याण मुरबाड़ अहमदाबाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। दरअसल इस हालात की तस्दीक 24 घंटे पहले बारिश के दौरान ही हो गई थी। तब नदी में बहाव तीव्र था, लेकिन रायत ब्रिज पर आवाजाही हो रही थी। उल्हास नदी का रौद्र रूप अब डराने लगा है। निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू है। पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र में बारिश हो रही है मूसलाधार। बारिश के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड इलाके की तस्वीर है, जो भारी बारिश से जलमग्न हो गई है। घर दुकान सब डूब गए हैं। ये रत्नागिरी का खेड सिटी है, जहां के बाजार में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से खेड के साफा मस्जिद में भी पानी भर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में काफी पानी भरा हुआ है। रत्नागिरी में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटी है। वहीं मुंबई में लगातार बारिश जारी है। हालात बिगड़ गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये तस्वीर मुंबई के दहिसर इलाके की है। सड़कों पर भरे पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई है। शहर के बीच सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही हैं। भारी बारिश और जल भराव के बीच बीएमसी के कर्मचारी पानी को शहर से निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर फ्लाइट पर भी दिख रहा है। कल मुंबई एयरपोर्ट से 11 फ्लाइटों को रद्द किया गया। इसके अलावा 10 उड़ानों का रूट भी डाइवर्ट किया गया।